हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश, अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट की बीमारी, कुछ कनेक्शन है या नहीं है? सो आज मैं सच बात बताना चाहता हूं कि क्या है सच। कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो ब्लड में ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करने के दो ही रास्ते हैं, एक है वेन और दूसरी है आर्टरी। जो हम ब्लड लेते हैं वो वेन में से लेते हैं और उसमें से बताते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल है। तो क्यों कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है इसका सच? क्योंकि आधा सच हम जानते हैं और आधा सच को हम छुपाते हैं, और छुपाने वाले हैं डॉक्टर और फार्मा, और उसी की वजह से आज फार्मा इंडस्ट्री उसकी गोली बेच रहे हैं। और फिर भी एक भी कोलेस्ट्रॉल की गोली से ब्लॉकेज कम नहीं होता। अगर आप 10 पेशेंट देखो हाई कोलेस्ट्रॉल के, तो 10 में से 5 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी है, और उसका सही अगर रीजन देखे तो वो है एंडोथेलियम डिसफंक्शन। मतलब हार्ट की आर्टरी की जो अंदर की सरफेस है वो है क्रैक पड़ना, और वो ज्यादातर दिखते हैं जेनेटिक हिस्ट्री से। और बाकी उसका रीजन है फास्ट लाइफ, स्ट्रेसफुल एंड आउटसाइड फूड एंड स्मोकिंग एंड प्रोसेस फूड। और बाकी के जो 5 पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है बट उसकी एंजियोग्राफी करो तो ब्लॉकेज नहीं है। सो इसका मतलब है कि उनकी हार्ट की जो अंदर की सरफेस है वो एकदम हेल्दी है। इसको बोलते हैं एंडोथेलियम डिसफंक्शन। तो वो उनकी फुल्ली फंक्शनल कैपेसिटी में है और वो स्मूथ है। सो डोंट रिले ऑन कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट, बिकॉज वो आपको 50-50 प्रिडिक्शन देगा, और मैं नहीं चाहता कि एक 50% प्रिडिक्शन के लिए आप पूरी लाइफ गोली लो। सो मस्ट चूज सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो मैं खुद अपने लिए कराई। मेरा भी कोलेस्ट्रॉल 15 साल से 200 के ऊपर था, और वही टेंशन कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, पर मेरा सिटी स्कैन नॉर्मल आया। उसका मतलब ये है कि मैं वो 50% लोगों में से हूँ कि जिसकी एंडोथेलियम फुल्ली फंक्शनल है और स्मूथ है, तो मेरा चांस बिल्कुल नहीं रहेगा कि ये कोलेस्ट्रॉल मेरी नली में चिपके। सो मस्ट डू सिटी एंजियोग्राफी रादर देन टेकिंग अनवांटेड टेंशन एंड अनवांटेड रिपोर्ट बर्डन एंड पिल बर्डन। थैंक यू सो मच।